नीलम जी लगातार भाजपा का प्रचार कर रही हैं, क्या लगता है? कति भाई बना के लाएंगे। बना के लाओगे? पक्की बात है? कति पक्की। सारे डोल ठोक दोगे? हाँ भाई। कति 10 घेरन देगा, मैं तो 10 भी घेरे हूँ। अच्छा जी जी जी, आपको क्या लगता है माता जी क्या रहेगा? भाई हम जो हमारे देश के लिए लड़ रहा है हम उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे जो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है। देखो जी लड़ रहा है ना जी, तो उसको देंगे भाई, उसको जिताएंगे ना। मोदी को दिलाओगे? बिल्कुल जी। अच्छा एक बात बताइए, नीलम जी एक महिला है और लगातार संघर्ष कर रही है, 2 बार पार्षद रह चुकी है, आपको नहीं लगता कि जो आपके क्षेत्र के बीच की एक महिला है तो महिलाओं को इससे काफी फायदा हुआ है, सम्मान मिला है, महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा है? खुद का एक्सपीरियंस है, कोई भी हो और कोई भी हेल्प हो जो इनके हाथ में होगी और जो इनके थ्रू किसी से भी ये करवा सकती हैं, ये हमेशा करवाती हैं। ये मेरा बिल्कुल पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। उन्हें नहीं पता है कि वो करके भूल जाती हैं, उन्हें ये नहीं पता वो दिन में कितने की हेल्प कर देती हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जिस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे बहुत सहायता की और वो सभी की ही करती हैं। महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चा हो कोई भी हो। और सबसे बड़ी इतनी मीठी। अच्छा बहुत मीठी। हाँ मीठा बोलती है? हाँ कति मीठी। कई बार तो गुस्से में होती है? नहीं नहीं है? नहीं नहीं होती, हमारी इज्जत बहुत करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई भरत सिंह अमर है। हाँ है कि नहीं? तब वो युग का जता दिए तो बस जा भाई, मैं पीछे तक भूल गया हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, जी हां अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी वोट देकर के अपनी सरकार चुने। जी हां इस देश की आधी आबादी महिलाओं से जानी जाती है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाएं क्या सोचती हैं यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं नजफगढ़ में। जी हां एक महिला है नजफगढ़ से जो दिचाऊ कला वार्ड से पार्षद है, श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान। आइए जान लेते हैं महिलाओं से क्या सोचती है नजफगढ़ की महिलाएं और क्या उनकी राय है। जी हाँ बात करेंगे, क्या लगता है आपको नजफगढ़ में क्या होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है, अब तो बीजेपी आने वाली। सबसे अच्छा तो फौजियों के लिए है जो कैशलेस शुरू हो गया, सीआरपी वालों के लिए हमसे तो वही खुशी है। अच्छा अच्छा अच्छा, नीलम जी आपकी पार्षद है, इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, कितना फर्क पड़ेगा? अब बहुत ज्यादा फर्क तो वैसे ही पड़ा हुआ हो, अब और ज्यादा पड़ जाएगा। जैसे उसने बोला है कि सीआरपी वालों के लिए हम कैशलेस शुरू करने वाले जो पहले नहीं था, तो उससे खुशखबरी क्या है उससे ज्यादा। जी आपको क्या लगता है नीलम कृष्ण पहलवान जी के भाजपा में आने से कितना फर्क पड़ रहा है? देखिए वे जिस भी पार्टी में थी पहले या अब, वो उन्होंने हमेशा हेल्प की है और बीजेपी में आने के बाद में उनको किसी भी ऐसा कोई वो सोचना ही नहीं है, उनको हर तरफ से सपोर्ट ही सपोर्ट है, क्योंकि बीजेपी इज ए बेस्ट पार्टी, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। जहाँ मोदी है वहाँ सब कुछ है। जी जी माता जी, क्या लगता है आपको नीलम जी भाजपा में आई है कितना असर रहेगा, क्या रहेगा नजफगढ़ में? काफी असर रहेगा कि अब की बार बीजेपी जीतेगी, जरूर जीतेगी। हाँ जी जी जी। और देखिए तमाम और महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपको क्या लगता है नीलम जी के भाजपा में आने से कितना असर पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ेगा, अब जो हमारे देश के पक्ष में हम उसके पक्ष में है। जी है कि आपकी क्या राय है, कितना असर रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा जी। हाँ तो नजफगढ़ में क्या रहेगा, महिलाएं क्या सोच रही है, क्या लगता है आपको? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए जी। जी हाँ और देखिए इन तमाम महिलाओं से हमने बात की है और अब बात करेंगे नीलम कृष्ण पहलवान से। जी हाँ दिचाऊ कला वार्ड की पार्षद है और लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं। तमाम ये जो महिलाएं देख सकती हैं ऐसी ऐसी अनेकों मीटिंगें की जा रही हैं, महिलाओं की राय ली जा रही है। आइए सीधे नीलम कृष्ण पहलवान जी से बात करेंगे। नीलम जी चुनाव का मात्र 1 दिन शेष रह गया है, क्या लगता है आपको, आपकी मेहनत आपका संकल्प और ये जो आपने भाजपा का दामन थामने के बाद दिन रात प्रचार किया है, क्या लग रहा है आपको? देखिए जब से हम बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, मैं मेरा पूरा परिवार जिसमें मेरे हस्बैंड कृष्ण पहलवान जी, मेरा छोटा देवर राम फलू फुबानिया और सबसे छोटे वाला ओमी ओमबीर सब लगे हुए हैं और सब तन मन धन से मेहनत करने पे लगे हुए हैं। और आज मैं यहाँ अजय पार्क में हूँ, ये अजय पार्क मेरा एक परिवार का सदस्य है, जितनी ये माताएं बहनें बैठी है ये मेरी कोई वोटर नहीं है ना सपोर्टर है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। और जब भी
अजय पार्क में मैं अपना चुनाव प्रचार शुरू करती हूँ। आंटी जी का सबसे पहले मैं आशीर्वाद लेती हूँ और वही आशीर्वाद आज मैं फिर आंटी जी का लेने आई हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये नजफगढ़ में चुनाव अजीत खरकड़ी का न होकर, भाजपा का न होकर, केवल भरत सिंह के सपनों का हो गया है। जो सपनों भरत सिंह के प्रति सच्चा प्यार करते थे, वो भरत सिंह के प्रति कल कमल का बटन दबाकर भरत सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिससे राष्ट्र निर्माण में तो भाजपा पार्टी अपना योगदान करेगी ही करेगी, साथ में जो नेगलेक्ट हम पिछले 5 सालों से विधायक के काम के लिए हो रहे हैं, वो विधायक के काम भी अब नजफगढ़ में प्रगति की ओर लेके जाएंगे।